हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ आशा और आप सभी को आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करने जा रही हूँ बंद गोभी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही सरल है। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया और उसमें बंद गोभी हम डाल रही हूँ। तो गोभी को बहुत ही पतला और बारीक कर कर काट लिया और एक टमाटर को भी पतला कर काट कर डाल दिया। उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया और जीरा की पाउडर डाल दिया। 4 से 5 चम्मच के करीब हम सरसों की तेल भी डाल दिया। इसमें आधा कप पानी भी डाल देंगे। तो डाल दिया और इन सबको मिला लेंगे। इसी तरह चम्मच की मदद से मिलाकर हम गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। तो गैस के ऊपर हमने चढ़ा दिया और 5 मिनट पकने के बाद चम्मच से हम इसी तरह हिला देंगे और इसमें ढेर सारा पानी भी अभी तक है। तो पानी को अच्छी तरह से हमें सुखाना है और इसे ढककर फिर से हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 4 से 5 मिनट जब तक पके तब तक हम कुछ मसाला तैयार कर ले लेंगे। हरी मिर्च ले लिया, सूखे लाल मिर्च, धनिया पत्ता, लहसुन की कलियाँ और उसके साथ हमने ले लिया प्याज। तो प्याज को पतला कर कर काट कर ले लिया। तो इन सब को हम भून लेंगे। तो उसके पहले हम यहाँ पर इसे फिर से एक बार हिला देती हूँ। टमाटर भी अच्छी तरह से गल गई और बंद गोभी भी अच्छी तरह से गल गई। तो इसे हमें सूखा लेना है, थोड़ा गीला है। तो दूसरी चूल्हे में हम इसे भून लेंगे। तो थोड़ा सा सरसों की तेल डाल दिया, उसमें सूखे मिर्च डाल दिया। इसे हम अलट पलट कर भून लेंगे। तो हमने भून लिया और इसे प्लेट में भी हम निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी कर कर भून लिया। तो लहसुन की कलियाँ भी हमने डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया, इन सबको भून लेंगे। तो मिर्च को भून कर इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने निकाल लिया और उसमें प्याज डाल देंगे। तो लहसुन को और भी हमें पकाना है, अच्छी तरह से गलाना है भूनते भूनते। तो उसमें हम धनिया पत्ता भी डाल दिया। तो इसी तरह 2 से 3 मिनट के करीब मीडियम फ्लेम में हम भून लेंगे। और यह देखिए, ये भी अच्छी तरह से पक गई और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और इसे हम थोड़ी देर के लिए भून भी लिया और गैस बंद कर ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दिया। और इसमें से जो लहसुन की कलियाँ थी वो भी हमने प्लेट में निकाल लिया और ये भी बन के तैयार हुई, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ठंडा करने के लिए हमने सारी प्लेट में बिछा दिया और ये अच्छी तरह से ठंडा भी हो जाए। तो ठंडा हो गई, इकट्ठा हमने कर लिया और इसमें हम डाल देंगे सूखे मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और इन सबको हम मैश कर लेंगे इसी तरह। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जितना आपको मिर्च खाना है, नमक खाना है, आपके हिसाब से डालिए। तो हमने गोभी में भी नमक डाल दिया, उसी हिसाब से नमक अभी हम डाल दिया। तो इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया और सूखे मिर्च को भी हम एक साथ मिक्स कर ले लेंगे। तो मिला लिया और इन सारे चीज़ों को इकट्ठा कर कर हम इसी तरह मिला लेंगे। तो बहुत ही अच्छी फ्लेवर आ रही है, इसकी कोई जवाब नहीं है, ऐसे ही खा लो लग रहा है। तो ये बन के तैयार हुए और इसमें जो गोभी हमने भून कर रखी थी वो गोभी भी डाल देंगे। तो टमाटर गल गई, गोभी भी अच्छी तरह से गल गई, टमाटर की खटास और धनिया पत्ता की फ्लेवर, प्याज की मिठास, लहसुन की फ्लेवर बहुत ही अच्छी और बहुत ही यमी बनके तैयार होती है ये रेसिपी। और इसे गोभी की भट्टा भी कहती है। तो आप इसे गरम गरम चावल से खाइए या रोटी से खाइए, बहुत ही टेस्टी है, इसकी कोई जवाब नहीं है। और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ये तैयार करना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगती है। और इसे सर्दी के मौसम में तैयार कीजिए, गर्मा गर्म चावल के साथ एंजॉय कीजिए। तो हम इसे हरी मिर्च, लाल मिर्च, प्याज और नींबू के साथ इसी तरह सजा लिया और कम मेहनत में गोभी की ये टेस्टी रेसिपी तैयार कीजिए, खाइए और हमें कमेंट कीजिए आपकी रेसिपी कैसे बनी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की इजी रेसिपी के साथ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लाइक, शेयर, कमेंट
वो भी कीजिए।